दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूकस कोलाइटिस के बारे में, या जिसे कोलाइटिस भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। म्यूकस कोलाइटिस या कोलाइटिस क्या होता है, पहले इसको समझ देते हैं। दोस्तों म्यूकस कोलाइटिस, म्यूकस मतलब म्यूकस, समझ रहे होंगे आप लोग, श्लेष्मा जिसको हिंदी में बोलते हैं, और कोलाइटिस, कोलाइटिस वर्ड जो है डिराइव्ड हुआ है वह है कोलन से। आँत की जो आँतें होती है उसका एक पार्ट होता है कोलन, ठीक है। कोलन का वह पार्ट जहाँ से म्यूकस निकलता है वहाँ पे अगर सूजन हो जाए तो उसको बोलते हैं म्यूकस कोलाइटिस। जिस भी शब्द के अंत में आईटिस लग जाता है, ITIS, उसका मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सूजन, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो म्यूकस कोलाइटिस यानी कि कोलन में अगर सूजन हो गई जिससे म्यूकस डिस्चार्ज होने लगा, तो इस अवस्था को बोलते हैं म्यूकस कोलाइटिस, या इसको एक सिंपल भाषा में कोलाइटिस भी कहा जाता है। तो कोलाइटिस होता क्यों है दोस्तों? जब भी कहीं पे अगर घाव हो या अल्सर हो जाए कोलन रीजन में, कोई ऐसी चीज़ आपने खा पी ली है जिसकी वजह से कोलन में अगर अल्सर हो जाए, घाव हो जाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने पी लिया, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव है, ठीक है, यानी जिस जो उसका बहुत ही क्रोडिव है, इसको कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर जिसका बहुत ज़्यादा हो, वो जाकर के वहाँ पे घाव पैदा कर सकता है, या कोई और चीज़ जो कि बॉडी के अंदर जब जाता है तो उसकी वजह से अगर घाव पैदा होता है या कोई भी अल्सर पैदा होता है, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे करके वहाँ से म्यूकस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जो म्यूकस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो वही धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पर सूजन आ जाती है, और सूजन के साथ साथ में वहाँ पे कभी कभी स्टार्टिंग में पस जैसा आता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि आंतें खुरच के निकल दी गई हों, इस तरीके की फीलिंग होती है। कभी कभी लैट्रिन में, बाथरूम में, उसके साथ साथ में जलन सी महसूस होती है, कभी ब्लीडिंग आती है, तो अलग अलग कंडीशंस इसके अंदर पाई जाती दोस्तों है। अगर कोलाइटिस हो जाए तो वैसी कंडीशन हमको करना क्या चाहिए? अगर कोलाइटिस हो गई है तो हमको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ें कम से कम खानी चाहिए जिससे हमारी आँतों को कोई भी तकलीफ़ हो, आँतों को खाने को एब्जॉर्ब करने में या और किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ हो, चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे घाव है, तो कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें मत खाइए जिसका नेचर एसिडिक हो। कोशिश कीजिए मैक्सिमम लिक्विड डाइट या अल्कलाइन फूड लेने की कोशिश करिए जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, आसानी से पच जाए। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। दोस्तों अब ये होम्योपैथिक आपको पता ही है कि ये सिम्टम बेस होती है, तो कभी अगर ऐसी कंडीशन हो कि अगर म्यूकस जो निकल रहा है वो ऐसा लगे जैसे कि स्क्रैप कर दिया गया हो, मतलब ये कि आंतों को छील करके बाहर निकाला गया हो, इस तरह की फीलिंग हो, उसके साथ में फ्लैचुलेंस हो, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस हो, और जो पेन हो वो फ्लेक्सर ऑफ स्प्लेनिक, जो स्प्लेनिक फ्रैक्चर होता है कोलन का, मतलब कि स्प्लीन का जो, चूँकि आपको पता ही है कि कोलन का ऐसा होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है, फिर ऐसे कोलन होता है, ठीक है ना, तो ये जो ऐसे बनता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे स्प्लीन के पास में होता है, बेसिकली स्प्लीन आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो स्प्लीन का जो पोर्शन होता है, एक तरफ लीवर, दूसरी तरफ स्प्लीन, स्प्लीन के थोड़ा सा नीचे ये जो कॉर्नर होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे होता है फ्लेक्चर, जिसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर। वहाँ पे अगर दर्द हो, वहाँ पे स्वेलिंग सी महसूस हो, तो वैसी कंडीशंस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा दोस्तों, 30 या 200 पोटेंसी लेने पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ में अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं कि मीठा खाने की चाह, लेकिन मीठा चाह तो होती है लेकिन मीठा पचा नहीं पाता है पेशेंट, तो ये सिम्टम भी पाया जाता है पेशेंट के अंदर में। साथ में फ्लैचुलेंस है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस है, स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन है, मतलब इंटेस्टाइन जैसे छील के अगर बाहर निकली जा रही है लैट्रिन के माध्यम से, तो ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरफ। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी दवा, स्टूल लाइक स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, सेम सिम्टम है, लेकिन इसके साथ में अगर जलन है, उल्टी सी महसूस हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, साथ में बाथरूम में जलन है, पेशाब में भी जलन सी महसूस हो रही हो, प्यास लग रही हो, तो ऐसी कंडीशन में कैंथेरिस 30 या 200 पोटेंसी बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों, स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और साथ में अगर कोलाइटिस की कंडीशन है, और ये कोलाइटिस की कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसी कंडीशन में कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्टूल से म्यूकस जैसा जाए, ठीक है, म्यूकस के साथ साथ में क्रैम्पिंग पेन हो, मेम्ब्रेनस स्टूल हो,
मतलब स्टूल अगर मेम्ब्रेनस हो, उसके अंदर मेम्ब्रेन जा रही हो, आंतों की जो मेम्ब्रेन होती है वो निकल करके जा रही हो, जैसा कि कोलाइटिस में होता है, उसके साथ साथ में अगर नौजिया बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मिचली सी महसूस हो रही हो, टियरिंग पेन हो, जैसे फाड़ता हुआ दर्द है इस तरीके का महसूस हो पेट के अंदर में, और उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि पेशेंट को खाना देखने की इच्छा ना हो, खाना देख करके पेशेंट को मिचली सी महसूस हो, अगर ये सिम्टम है दोस्तों तो डेफिनेटली बहुत अच्छी दवा होती है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम 200 पोटेंसी की, आप सुबह दोपहर शाम अगर आप इसको 2-3 दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे ऐसे सिम्टम आपके बहुत ही जल्दी सही हो जाते हैं। तो म्यूकस अगर आए लैट्रिन में और उसके साथ साथ में अगर क्रैम्पिंग पेन हो पेट के अंदर में, मरोड़ जैसा दर्द हो और गर्माहट से और दबाने से पेशेंट को आराम मिले, बेंड होने पे आगे की तरफ ऐसे झुक जाने पे पेशेंट को आराम मिले, तो वैसी कंडीशन में कोलोसिंथ बहुत अच्छी मेडिसिन है। और सेम कंडीशन हो दोस्तों लेकिन पेशेंट को पीछे की तरफ झुकने के पे अगर पेशेंट को आराम मिले, पेट के दर्द में आराम मिले, तो वहाँ पे डायस्कोरिया विल्लोसा बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ये सिम्टम पे ही ये दोनों मेडिसिन अलग हो जाती हैं। अगर आगे झुकने पे आराम हो तो वहाँ पे कोलोसिंथ, और पीछे की तरफ झुकने पे आराम हो तो डायस्कोरिया। इस सिम्टम पे साथ में कोलिक पेन हो, दर्द हो और म्यूकस जा रहा हो लैट्रिन के माध्यम से, ये सारे सिम्टम्स इक्वल होते हैं, सिर्फ ये अंतर होता है दोस्तों इन दोनों मेडिसिन के अंदर में। तो वहाँ पे ये दवाएँ अपने अपने सिम्टम के आधार पे काम करती हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं म्यूकस कोलाइटिस के केस में। म्यूकस कोलाइटिस की और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, ये वो मेडिसिन हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाती है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप अगर इन सिम्टम के आधार पर इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप म्यूकस कोलाइटिस को बहुत ही ईजी वे में सही कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मर्कसॉल, एलोसोक्रोटिना और भी कई सारी मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।